आएगा। ठीक है, चलो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में जानना। बहुत बच्चों को आता होगा लेकिन पता नहीं आता होगा, बहुत बच्चों को नहीं आता ये स्ट्रक्चर। सर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें, कौन से स्ट्रक्चर? सर याद रखना साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर बच्चों? साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से देखो, अभी बहुत ही ज्यादा अच्छे से देखो। चलो इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, मतलब साइक्लिक से जब हम पढ़ेंगे ना तो हावर्थ प्रोजेक्शन भी पढ़ेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करता हूं मैं। मान लो ये हमारा ग्लूकोज है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये देखो दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ और CH2OH। बच्चों अच्छे से देखना मैं क्या कर रहा हूं। तो थर्ड कार्बन का OH इधर है, ये OH, H, H, OH, H, OH, H, ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इसको हम बोलेंगे डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे आपको पता है? डी ए सर, दिस इज योर डी ग्लूकोज। ठीक है ना बच्चों, ये हमें पढ़ चुका है डी। अब बहुत अच्छे से देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा मान लो ये डी ग्लूकोज है तो एल कैसा होगा? अरे बच्चों एल कैसा होगा, तो भाई इसकी मिरर इमेज ले लो, इसकी मिरर इमेज ले लो तो कैसा आएगा सर? इधर ओ एच, यच, यच, ओ एच, ओ एच, यच, ओ एच, यच, ये सी एच ओ ऊपर और CH2OH नीचे। समझ में आया? एल ग्लूकोज, देखो मिरर इमेज इधर इधर साइड लिख दो और बाकी के उधर साइड। समझ में आया? मिरर इमेज, मिरर इमेज तो बनानी आती है ना आपको। हाँ, तो ये डी ग्लूकोज है तो ये एल ग्लूकोज है, हमें एल ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं, बिकॉज एल ग्लूकोज एक पॉइजनस होता है। ठीक है ना, पॉइजनस टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अगर एल ग्लूकोज चला गया तो हम हो जाएंगे क्या? हो ही नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे सब लोग। समझ में आया सबको? चलो आगे बढ़ते। अब मैंने क्या किया बच्चों, याद रखना फिफ्थ नंबर के कार्बन को मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया। अब मैं नंबरिंग कैसे देता हूं देखो इस चीज को। 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, और 5 कार्बन पे जो OH ग्रुप है ना उसके ऊपर लोन पेयर होगी। आपको समझ में आया लोन पेयर है? तो अब देखो मैं क्या करता हूं, इस लोन पेयर का अटैक कर दो इस वाले कार्बन पे, और जैसे अटैक किया ये वाला ऊपर चला जाएगा इस तरह से। तो क्या बनेगा बच्चों आप बताओ? तो आप बोलोगे सर देखो सी के ऊपर ओ माइनस चला गया मान लो, और सर ये हाइड्रोजन तो एज इट इज है यहाँ पे हाइड्रोजन, मैं हाइड्रोजन को उधर लिख देता हूँ ठीक है ना, थोड़ा सा इस साइड, ये हाइड्रोजन एज इट इज है सर। अब देखो सर यहाँ से एक बॉन्ड बना इस तरह से, बॉन्ड किसके साथ बना सर? तो देखना अच्छे से, देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, फोर्थ कार्बन, जो फिफ्थ का फिफ्थ कार्बन था हमारा, फिफ्थ कार्बन 1, 2, 3, 4 फिफ्थ के साथ, यहाँ पे ये वाला O बना सर और ये वाला H बना, ये इस तरह से, और इस पे आ जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे OH एज इट इज, ये H एज इट इज, यहाँ पे बाकी आप छेड़खानी मत करो ठीक है ना। OH, H, CH2OH, बच्चों यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ, ये वाला बातें सबको क्लियर है? मैंने किस तरह से अटैक किया, किस तरह से बॉन्ड बनाया? आप क्या करो फिर सर, ये O निगेटिव इस H प्लस को खा लेगा तो फाइनली हमारे पास ये वाली चीज बन जाएंगी OH, ये बन जाएगी सर OH, ये वाली चीज बन जाएंगी। अब देखो एक्चुअल में ऐसा नहीं बनेगा वो, देखो अच्छे से मैंने क्या किया, समझ में आया सबको? मतलब ये वाला जो OH एक्चुअल में वो कैसे होगा पता है क्या? OH कहाँ पे लिखता हूँ देखो मैं, अभी इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख दू इस तरह से, या तो OH अंदर की तरफ आएगा और या तो OH, दूसरी पॉसिबिलिटी बताता हूं मैं, बाकी सब सेम। यार आप ही सोचो ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक दोनों साइड से हो सकता है बच्चों, इस OH का अटैक या तो नीचे से होगा या तो ऊपर के ऊपर से होगा। तो जो OH है हमारा ये वाला बनने वाला OH है वो दोनों तरफ बन सकता है, या तो अंदर की तरफ बनेगा या तो कहाँ पे बनेगा मैसेज करो जल्दी से, या तो बाहर की तरफ बनेगा। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ। अब मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ ठीक है ना, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ठीक है, चलो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ठीक है ना। अब अच्छे से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब अच्छे से देखो बच्चों। यहाँ पे जब हमने इसका अटैक किया, इस वाले का अटैक यहाँ पे किया इस कार्बन पे, कार्बन पे अटैक करने के बाद देखो यहाँ पे ऊपर OH आ गया। अभी इस देखो कार्बन नंबर 1 में देखो मार्किंग किस तरह से करता हूँ, अभी अच्छे से देखो, ये 2 है सपोज, ये 2 पॉसिबिलिटी है। मान लो ये वाला कार्बन है कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 CH2OH। देखो अच्छे से 1, 2, 3, 4, 5 CH2OH,
CH2OH, मतलब ग्लूकोज एक्चुअल में इस तरह से एग्जिस्ट करता है, ऐसा मुझे बताना है। अब पहले सुन लो, तो आप बोलोगे सर जी देखो OH जो बनेगा ना फर्स्ट वाले कार्बन पे, एक नंबर वाले कार्बन पे, या तो सर OH अंदर की तरफ बनेगा या OH बाहर की तरफ बनेगा। आप क्या करूंगा मैं, ये पता है हमें, ये देखो इस तरह से इनको जोड़ दो, ये देखो इन दोनों को जोड़ दो। यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ, मैसेज करके बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? ग्लूकोज की यहां तक की बातें सबको क्लियर है? दो तरफ के OH या तो अंदर आएगा या तो OH बाहर आएगा, यहां तक बताओ। अब मैं क्या करूंगा, आपको बाकी का तो एज इट इज रखना है, ये दूसरा नंबर का OH, दूसरे नंबर का OH, तीसरे नंबर का OH इधर आएगा, ये वाला इधर हाइड्रोजन, ये H, और फोर्थ नंबर का OH भी आपको पता है अंदर की तरफ आएगा, जो कि ऑलरेडी है, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो अंदर की तरफ OH, H, H, H। सबको समझ में आया? बाकी का यहाँ पे चेंज करना था, यहाँ पे बाकी तो एज इट इज है, यहाँ पे चेंज करना था, बाकी तो एज इट इज है, बाकी तो बच्चों एज इट इज है। बोलो भाई क्लियर है सबको? अब देखो काम की चीज, अब अगर OH अंदर की तरफ रहा ना तो इसको बोलते अल्फा फॉर्म, इसको बोलते अल्फा फॉर्म, अल्फा डी ग्लूको, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, इसको नाम दिया गया अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, इस वाले स्ट्रक्चर को नाम दिया गया। डी ग्लूकोज से जो बना, डी ग्लूकोज से दो चीज बनी, एक तो बना सर OH अगर अंदर की तरफ हो तो उसको बोला जाएगा अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, और अगर OH बाहर की तरफ हो तो इसको बोला जाएगा बीटा डी, डी तो सेम है, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज, पायरेनोज। बोलो समझ में आया सबको? बीटा डी ग्लूको पायरेनोज और अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज का स्ट्रक्चर सब बच्चों को क्लियर है? मुझे मैसेज करके बताओ हाँ या ना। यहां तक की बातें सबको क्लियर है किस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बनाया? बस एक ही चेंज करना था आपको, OH अंदर OH बाहर। अब देखना, अब मैं क्या करता हूं, ये फर्स्ट वाले से कोई लेना देना नहीं अभी हम, हाँ आपको ये फर्स्ट वाले से कोई लेना देना नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई भी मतलब है रे, लेकिन अब इसके बाद नहीं है, क्योंकि अब मैं हावर्थ प्रोजेक्शन बनाने जा रहा हूं। तुम आप काउंट करो नंबर ऑफ कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 कार्बन। अरे ये वाला कोई कार्बन नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, वो ऐसे दिखाया है मैंने बॉन्ड, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है, ठीक है ना। तो 5 और 6 कार्बन है, तो अब देखो, और एक ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन, अब नंबरिंग देखो मैं कहां से करता हूं, यहां से 1 किया ना, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये CH2OH। बोलो भाई यहां तक की बातें सबको क्लियर है? और ये 6 नंबर का कार्बन, बोलो दोनों में सिमिलरिटी समझ में आई? क्या बताने चाहता हूं मैं, बोलो दोनों यहां तक का बात सबको क्लियर है? मैंने क्या क्या बताया? बस कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे जो नंबरिंग दी इधर भी नंबरिंग दी, और इधर मैंने साइकिल बना दी, बाकी कुछ नहीं किया। बोलो जल्दी क्लियर है सबको? हाँ बहुत अच्छा। अब देखो आपको क्या करना है, अब जो जो देखना, अभी अभी मैं थोड़े डार्क पेन से लिखता हूँ, ठीक है ना, डार्क और ब्लू। अब जो अंदर की तरफ है ना उसको नीचे लिखना है, जो अंदर की तरफ है उसको नीचे। तो एक नंबर वाले कार्बन पे OH अंदर है, तो OH नीचे, H ऊपर। दूसरे नंबर वाले कार्बन में भी OH अंदर है, तो देखो OH नीचे, जो अंदर है वो नीचे लिखो, H ऊपर। तीसरे वाले कार्बन पे भी देखो एच अंदर है, एच तो एच नीचे, बोलो भाई ओ एच ऊपर। फोर्थ वाले कार्बन पे बोलो अंदर की तरफ कौन आएगा, ओ एच, तो ओ एच नीचे और ऊपर आएगा आपका एच, और इधर आपका बच गया एच। बोलो भाई आप क्लियर है? ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने? मैसेज करो पहले, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? बताओ जो अंदर की तरफ है रिंग के उसको नीचे लगाओ। अब देखो आपको कोई जरूरत नहीं स्ट्रक्चर को कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, भाई मैं तो बता रहा हूँ सुनो। अब मैं सिंपल बना दूँ एकदम डायरेक्ट याद करने का तरीका, सीधे याद करने का तरीका, मान लो आपने ये रिंग बना दी, अल्फा बोले तो ऊपर की तरफ ओ एच, देख बच्चों अल्फा बोले तो ऊपर की तरफ ओ एच, ये कार्बन नंबर 1 है, 1, 2, 3, 4 5 और CH2OH, बहुत अच्छे। और बच्चों बीटा बोले तो क्या रे, बीटा बोले तो क्या, OH कहाँ पे आएगा अब बताओ, OH कहाँ पे आएगा, बीटा बोले तो OH आएगा नीचे की तरफ। समझ में आया सबको ये वाली बात, ये OH नीचे OH ऊपर, यहां तक की बात है सबको क्लियर है? यहाँ पे लिख देता हूँ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज और यहाँ लिख देता हूँ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब आपने पढ़ा होगा
ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में तीन नंबर कार्बन का OH कहाँ पे आता है बोलो जल्दी। कार्बन नंबर तीन जो है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, मतलब आप जब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर निकालते हो ना, CHO, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू का OH अंदर, और कार्बन नंबर थ्री का OH कहाँ पे आता है, कार्बन नंबर थ्री का OH बाहर आता है। तो आपको बस यहाँ पे उल्टा कर देना है, बाकी के सब OH कहाँ पे आते हैं, इधर की तरफ। देखो यार आपने ये पढ़ा था ना कि सर बाकी के सब OH कहाँ पे आते हैं, बोलो अंदर की तरफ आते हैं, और जो अंदर है वो नीचे है, आपको पता है जो अंदर है वो नीचे, तो दो नंबर वाला भी नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, बस तीन नंबर वाला ऊपर चला जाएगा, चार नंबर वाला आ जाएगा नीचे। समझे या नहीं समझे बताओ जल्दी, क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ। सीधा याद रखो इस वाले फॉर्मूले, याद मत करो, आप समझ में आ गए आपको कि सर अल्फा है तो पहले OH ऊपर, सर अल्फा है तो पहले OH ऊपर, बीटा है तो पहला OH नीचे। हाँ मैं कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहले हमें ये निकालना है साइक्लिक सीधा आवर्त कैसे बनाएंगे विदाउट एनी रिस्क। देखो बीटा है तो आप OH को नीचे लगा दो, और अल्फा है तो OH को नीचे लगा ऊपर लगा दो। ये तो समझ में आया सबको, ये CH2OH, ये भी आपको पता होना चाहिए CH2OH। पहले बताओ अल्फा और बीटा में, यहां तक की बातें सबको क्लियर है। अब आपको पता है ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर थ्री होता है ना बच्चों, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर थ्री होता है ना थ्री, उसका थोड़ा सा उल्टा होता है। मतलब देखो यार आपने CHO बनाया था OH, और इधर OH आता था, उसके बाद OH OH CH2OH। तो एक बात आपने ऑब्जर्व की सर ग्लूकोज के सारे OH एक तरफ होते हैं, लेकिन एक OH कहां पे होता है, थर्ड नंबर का इधर की तरफ होता है। तो आपको पता है जो इधर की तरफ है वो रिंग में थोड़ी ना आएगा, जो इधर की तरफ है वो कहां पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो कार्बन नंबर थ्री है ना, ये देखो कार्बन नंबर वन टू और कार्बन नंबर थ्री, तो कार्बन नंबर थ्री वाला OH को हमें क्या कर देना है, उसको ऊपर ले जाना है बस। कार्बन नंबर थ्री वाले OH को हम क्या कर देंगे बोलो, ऊपर ले जाएंगे, कार्बन नंबर थ्री को ऊपर ले जाएंगे। समझ में आए यहां तक की बातें, बाकी सारे OH नीचे, बाकी सारे OH नीचे लगा दो, रिमेनिंग दो, बाकी सारे OH नीचे लगा दो। अब बोलो भाई अल्फा डी और बीटा डी सीधे याद कर लोगे, सीधे याद कर लोगे अल्फा डी और बीटा डी, बस इस OH को भूल मत जाना, ये फर्स्ट वाला ये खतरनाक है, इस पे से तो सारी चीजें डिपेंड करेंगी, अल्फा डी और बीटा डी। मैसेज करो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, सबको क्लियर है, हाँ या ना बताओ जल्दी से, अल्फा डी और बीटा डी सबको क्लियर है, मैसेज करो। अब आपसे कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले, कोई बहुत खतरनाक एग्जामिनर हो पूछ ले, खतरनाक एग्जामिनर होते पता है क्या, देखो आपको अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज पता है, ग्लूकोपाइरेनोज एग्जामिनर पूछ ले, अरे एग्जामिनर पूछ ले अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोज, 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 आप कभी आपने सुना भी नहीं होगा, एग्जामिनर एग्जामिनर पूछ लेगा। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज को निकालो, तो देखो सर ये ग्लूकोपाइरेनोज अल्फा डी, सर अल्फा है तो OH कहां पे आएगा बताओ, सर अल्फा है तो OH ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ बताओ जल्दी से, अल्फा है तो OH कहां पे आएगा, ऊपर या नीचे, मैसेज करो ऊपर की तरफ आएगा, सही है ना, OH आपका आएगा ऊपर की तरफ बच्चों, बराबर है बोलो जल्दी, अल्फा ऊपर की तरफ आएगा। एक मिनट, ऊपर नहीं आएगा रे, एक मिनट रुक जाओ, नहीं कुछ गलत, ओके हाँ अल्फा है तो OH नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, चलो लिख ही देता हूँ सीधे, अल्फा है तो नीचे आएगा, ठीक है अब इसको याद रख लो, अल्फा है तो OH नीचे की तरफ आएगा, इसके पहले क्या पता नहीं क्या पढ़ाया था लेकिन इसको याद रख लो, शायद मैंने अल्फा नीचे ही बोला होगा, देखो अल्फा है तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है ना बच्चों, ज्वाइन कर लो रे, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वापस से, इसको याद कर लो, अल्फा है तो हमारा जो OH है ना वो कहाँ पे आएगा बोलो, सर नीचे की तरफ आएगा, और बीटा है तो OH कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, इसको याद रख लेना, ठीक है ना, तो आपको आसानी होगी। चलो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज सर निकालो, तो ठीक है निकालते हैं, देखो सर ये पाइरेनोज है तो इतने कार्बन, ये CH2OH, अब सर कार्बन नंबर वन का OH हम कहाँ पे निकाले, अल्फा है तो सर अल्फा है तो कहां पे निकाले बोलो जल्दी, अल्फा है तो हम निकालेंगे नीचे की तरफ, अल्फा है तो हम निकालेंगे नीचे की तरफ, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे, अब देखना अच्छे से, अब मैंने बोला था थर्ड कार्बन तो ऊपर आएगा बाकी सब नीचे, समझ में आया सबको,
बोलो जल्दी, ये वाला स्ट्रक्चर आप समझ में आया सबको किस तरह से निकालना है? बोलो जल्दी हाँ या ना, मैसेज करो रे। अब नाउ दिस इज योर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अरे ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, हमें अल्फा डी गैलेक्टो चाहिए। अरे ग्लूकोज बोले तो ग्लूकोज, ग्लूकोपाइरेनोज बोले तो ग्लूकोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या रिलेशन है बताओ जल्दी से? अरे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या रिलेशन है मैसेज करके बताओ? दे आर सी फोर इपिमर, बहुत अच्छे, दे आर सी फोर इपिमर। तो आपको एक चेंज करना, इसका ओएच ऊपर ले लो, इसका ओएच ऊपर ले लो, बाकी का सेम। समझ में आया चेंज कहाँ किया मैंने? जल्दी बताओ, गैलेक्टोज अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोपायरेनोज और अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? अब अगर वो बीटा पूछ ले तो, अगर वो बीटा पूछ ले तो भाई ये ओएच ऊपर ले लो नीचे, इधर वाला ओएच ऊपर ले लो, समझे? इधर वाला ओएच ऊपर ले लो, बाकी तो सेम है। मैसेज करके बताओ सबको, आप खुद से करोगे मैसेज करो। थोड़ा सा एक और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना? आप खुद से चेक करना। एक और एग्जांपल मान लो बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है आपका, ग्लूकोपाइरेनोज है, ठीक है? और आपको बीटा डी मैनोज निकालना है, बीटा डी मैनोज, आपको बीटा डी मैनोज का स्ट्रक्चर चाहिए, आपको बीटा डी ग्लूकोज पता है क्या? तो आप बोलोगे सर ये होगा बीटा डी ग्लूकोज, देखना अच्छे से। सर बीटा डी बोले तो सर ओएच आएगा ऊपर की तरफ, बीटा है तो सर ओएच ऊपर की तरफ आएगा, ये CH2OH। सर ये वाला OH आपको पता है, थर्ड वाला ऊपर बाकी सब OH नीचे। सर ये बन गया हमारा बीटा डी ग्लूकोज, लेकिन सर हमें क्या चाहिए? बीटा डी मैनोज चाहिए। बोलो ग्लूकोज और मैनोज में क्या रिलेशन है बीटा? अरे सब अच्छे से बस। सर C2 है तो इसको उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा सर जी OH ऊपर, ये OH एज इट इज, बाकी एज इट इज है, बाकी कुछ चेंज मत कर देना, बाकी एज इट इज है। समझ में आया सबको? बोलो यार या C2EPMR, मैसेज करो। मजा आ रहा है सबको पढ़ने में अभी, मजा आ रहा है सबको, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं लग रहा ना अभी? चलो बहुत अच्छे। देखो स्ट्रक्चर याद नहीं करने, हमें समझने हैं। मैंने वो टेबल बोला था, अगर आपने टेबल भी याद कर लिया ना तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली। अब देखो और कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ाना है मुझे? एक फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर होता है, कौन सा होता है? ग्लूकोज का, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं मैं, ग्लूकोज की, ग्लूकोज का एक फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर होता है, फ्लाइंग फ्लाइंग वेज स्ट्रक्चर। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है फ्लाइंग वेज से। 6 कार्बन होते हैं, ठीक है ना? देखो अब देखो मैं किस तरह से निकालता हूँ, बहुत अच्छे से देखना बच्चों। 6 होते हैं ना, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और यहाँ पे CH2OH। अब देखो फ्लाइंग वेज में क्या होता है, दिस अब कार्बन की नंबरिंग देखो, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4। आप मुझे बताओ, मान लो मैं किसका स्ट्रक्चर निकालू अभी, अल्फा का निकालो या बीटा का निकालो? आप मैसेज करके बताओ मुझे, अल्फा का निकालो या बीटा का निकालो, मैसेज करो। आप बताओ खुद से कुछ। हाँ चलो बीटा का निकाल लेता हूँ, अल्फा का, अल्फा का निकाल लेता, चलो बीटा का, अल्फा का निकालो, ठीक है ना? अब बोलो अल्फा का ओएच ऊपर होता है नीचे होता है? फर्स्ट वाला ओएच बताओ ऊपर होता है नीचे होता है? अल्फा का आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट वाला ओएच नीचे होता है सर, तो नीचे तो बोले तो सर बिलो दो प्लेन, तो इसको ऐसे डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, डैश से ओएच। समझ में आया? अब अल्फा का दूसरा ओएच कहाँ पे होता है मैसेज करके बताओ? अल्फा का दूसरा ओएच कहाँ पे होता है मैसेज करके बताओ, ऊपर या नीचे? खुद से बताओ ऊपर या नीचे? अरे सर नीचे, अरे अल्फा निकाल लेता हूँ मैं। अरे दूसरा ओएच तो सबका ही नीचे होता है ना यार, आप क्या बोल रहे हो? पहला ओएच कहाँ? देखो मैं निकाल देता हूँ अल्फा, पहले निकाल देता हूँ, ठीक है ना? आप ना बहुत होशियार हो, पहले मैं निकाल देता हूँ फिर आप। हाँ रुको रुको, पहले मैं निकाल देता हूँ अल्फा, उसके बाद आप बताओ, ठीक है ना? देखो ये अल्फा है हमारा, ये हमारा अल्फा है, देखना ओएच आपका फर्स्ट वाला ओएच कहाँ पे होगा अल्फा के केस में? नीचे होगा सर, ठीक है ना? दूसरा वाला तो नीचे ही होता है, तीसरा वाला ऊपर, उसके बाद नीचे होता है ग्लूकोज के लिए, और ये CH2OH। अभी इसको मैं 3D मतलब समझ रहे हैं ना आप, 3D स्टेरियो केमिस्ट्री में दिखाऊंगा। तो देखो पहले सर ये 5 कार्बन ये वाले एज इट इज, इसको थोड़ा रोटेशन किया रे मैंने, CH2OH एज इट इज। अब देखना अच्छे से, सर पहला वाला नीचे है तो नीचे बोले तो सर बिलो द प्लेन, अल्फा की बात कर रहा हूँ, अल्फा डी की, ठीक है ना? दूसरा वाला कहाँ पे बताओ? नीचे है सर, नीचे है सर बोले तो बिलो द प्लेन। तीसरा वाला बताओ कहाँ पे? ऊपर है सर, ऊपर ऊपर है बोले तो क्या?
एबो द प्लेन, मैसेज करो समझे या नहीं समझे। नेक्स्ट नीचे, तो देखो नीचे समझ में आया सबको, बोलो मैसेज करके, क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ अल्फा का समझ में आया सबको। अरे हाँ या ना। बीटा का क्या कर दो फर्स्ट, देखो बीटा का क्या कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, और फिर इसको भी क्या कर दोगे, बीटा का इसको भी क्या कर दोगे, ऊपर कर दोगे। भाई खत्म है सर, इतना आसान था तो पहले क्यों नहीं पढ़ाया, इसलिए तो नहीं पढ़ाया क्योंकि अब आसान लगने लगेगा ज्यादा। बीटा मैसेज करो अल्फा बीटा समझ में आया सबको, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फ्लाइंग वेज सबको क्लियर है, अरे फ्लाइंग वेज सबको क्लियर है, तो आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा डी बीटा डी। तो आपको पहले ये वाला बनाना है फीचर प्रोजेक्शन, सॉरी पहले आपको हावर्थ प्रोजेक्शन बनाना है बच्चों, उसके बाद आपको फ्लाइंग वेज बनाना है। तो अगर फ्लाइंग वेज और हावर्थ समझ में आया तो अब हम चलेंगे चेयर की तरफ, किस कहां पे चलेंगे, चेयर फॉर्म की तरफ। तो सबसे पहले चेयर फॉर्म का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, पहले मुझे इतना बताओ सबको, देखो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने कौन सा स्ट्रक्चर देखा बच्चों ग्लूकोज का, हमने देखा सर ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने देखा हावर्थ प्रोजेक्शन, और उसके बाद देखा फ्लाइंग वेज। किसी को कोई दिक्कत आई बताओ मैसेज करके, किसी को कुछ दिक्कत आ रही है बोलो, सब चीजें क्लियर है ना एकदम। चलो अब चेयर फॉर्म की तरफ मैं चलता हूँ। अब चेयर फॉर्म क्या होता है सर, तो चेयर की तरह आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा, ऐसी चेयर बनाई होगी बहुत बार, ऐसी चेयर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो याद रखना चेयर स्ट्रक्चर होता है। देखो मान लो ये चेयर है, इस तरह से चेयर दिखाई दे रही है ना, ये ऐसा देखो ना चेयर ऐसे होती है ना, चेयर बैठते ना, ठीक है ना। तो दिस इज योर चेयर। अब देखो मैं चेयर फॉर्म में स्ट्रक्चर कैसे बनाता हूँ बहुत अच्छे से देखो, जब हम मैं कभी चेयर निकालता हूँ ना अच्छे से निकालता हूँ, रुक जाओ आपको भी ऐसे निकालनी है, इस तरह से निकालनी है, ठीक है ना। दिस इज योर चेयर फॉर्म, पहले ऐसे पैरेलल लाइन बनाओ, उसके बाद ऐसा करो, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो यार इसको बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं, पहले दो पैरेलल लाइन बनाओ, बना दिए, फिर ये वाला लाइन बनाओ और इसको पैरेलल लाइन बनाओ इधर की तरफ, हो गया क्लियर समझ में। अब रेड वाली लाइन देखो, अब ये वाली लाइन बनाओ और इसको दूसरी पैरेलल लाइन इधर बनाओ, दिस इज योर चेयर फॉर्म। अब देखो अच्छे से, अब चेयर फॉर्म में मैं तुम्हें कुछ पोजिशन बचा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको स्टेरियो केमिस्ट्री में भी काम आने वाली है, स्टेरियो केमिस्ट्री में भी ये चीजें काम आएंगी, मैं आपको पोजीशन बता रहा हूं। देखो सबसे पहले एक्सियल पोजीशन 1 2, इधर हाइड्रोजन है मान लो 1 2 3, ये एक्सियल पोजीशन है, ये तीन एक्सियल पोजीशन है, एक्सियल एक्सियल एक्सियल। इसके साथ साथ इस वाले कार्बन पे एक, इस वाले कार्बन पे एक, और इस वाले कार्बन पे, ये तीन एक्सियल नीचे की तरफ और तीन एक्सियल ऊपर की तरफ, समझ में आया सबको। एक्सियल पोजीशन कहां पे है बोलो, तीन एक्सियल किस कार्बन पे, देखो ये वाले कार्बन पे, अच्छे वाले कार्बन देख लो अच्छे से, तीन एक्सियल ऊपर की तरफ है बच्चों, और याद रखना यहाँ पे तीन एक्सियल कार्बन, तीन एक्सियल आपके नीचे के तरफ है, समझ में आया सबको, मैसेज करो हाँ या ना। एक्सियल पोजीशन सबको समझ में आई, हाइड्रोजन की मान लो हाइड्रोजन हो गया या कुछ भी होगा मैं बता दूंगा सबको, एक्सियल ऊपर नीचे क्या है समझ में आया, ये तीन यहाँ पे जो एटम लगेगा ना तो एक्सियल पे होगा, इधर जो एटम लगेगा ना वो भी एक्सियल पे होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब मैं इक्विटोरियल की बात करूंगा। तो सर इक्विटोरियल क्या है तो बताऊंगा ना, इक्विटोरियल एक्चुअली पोजीशन होती है, बाकी कुछ नहीं होता, ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है ना। देखो अब मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, देखो ये इक्विटोरियल इधर है, बहुत अच्छे से देखो, बहुत ज्यादा अच्छे से देखो, इसके पैरेलल इधर बनाया दूसरा वाला, समझ में आया, दो मैं अपोजिट बना रहा हूं, अब देखो किस तरह से आपको याद रखना है, दोनों अपोजिट बना दिए। अब ब्लू से देखो, एक इधर बनाया मैंने, हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। नहीं, लेक्चर चालू है, लेक्चर चालू है। देखो आवाज आ रही मेरी, बोलो जल्दी, मैसेज करो जल्दी, आवाज आ रही सबको, बहुत अच्छे। देखो ये दो इक्विटोरियल पोजीशन है, ठीक है ना बच्चों। अब देखो आपको पैरेलल लाइन देखने, पैरेलल, अब ये ब्लू वाली देखो, ये ब्लू वाली इधर और दूसरी ब्लू वाली एक्स के अपोजिट, आ गया मजा, ये भी इक्विटोरियल पोजीशन है, ये भी इक्विटोरियल है भाई, क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ भाई क्लियर है। अब यहाँ पे देखो इस वाली ग्रीन वाली देखो, ग्रीन वाली, ग्रीन वाली देखो, बहुत अच्छे से देखो ग्रीन वाली, ठीक है ना।
यहां तक अगर आपको समझ में आया तो देखो, मान लो यहाँ पे ये वाली एक लाइन इधर इस तरह से और इसको पैरेलल ये वाली, मतलब टोटल हमने कितने लोग, ये भी इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है, ठीक है। तो आपको इस ये लाइंस को अच्छे से देख लो तो आपको आपको इक्विटोरियल पोजीशन याद हो जाएंगे बच्चों। और हर इक्विटोरियल के साथ, आपको अभी पढ़ाया, इसके साथ एक एक्सियल होती है। अब समझ में आया सबको? देखो ब्लैक से दिखा रहा हूं मैं, उसके नीचे की तरफ देखो, ये ऊपर की तरफ एक एक्सियल होती है, ये नीचे की तरफ एक एक्सियल, ऊपर की तरफ एक एक्सियल, नीचे की तरफ एक एक्सियल। समझ में आया सबको? टोटल हर कार्बन पे एक एक्सियल एक इक्विटोरियल। लेकिन मैंने बता दिया इक्विटोरियल पोजीशन किसको कहेंगे और एक्सियल किसको कहेंगे, बोलो भाई। क्या ये वाले चेयर फॉर्म आपको समझ में आया, इक्विटोरियल एक्सियल पोजीशन? मैसेज करो हाँ या ना, मैसेज करो हाँ या ना। हाँ चलो ठीक है। अब ऊपर कौन है? अब पहले वाले कार्बन पे ऊपर की, अभी हाँ यहाँ पे एक पोजीशन रहेगा ना, ये एक्सियल। अब हो गया, अब पूरा क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आपको पता है कि, अब पहले कार्बन पे देखो, कार्बन नंबर वन पे देखो, एक्सियल ऊपर की तरफ, इक्विटोरियल नीचे की तरफ। दूसरे वाले कार्बन पे देखो, इक्विटोरियल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक्सियल। तीसरे कार्बन पे देखो, एक्सियल ऊपर, इक्विटोरियल नीचे। नेक्स्ट कार्बन पे इक्विटोरियल ऊपर, एक्सियल नीचे। नेक्स्ट कार्बन पे एक्सियल नीचे, इक्विटोरियल नीचे, एक्सियल ऊपर। नेक्स्ट कार्बन पे इक्विटोरियल ऊपर, एक्सियल नीचे। क्या सबको समझ में आया कौन सी पोजीशन कहाँ पे? बोलो बच्चों सबको क्लियर है हाँ या ना, बताओ जल्दी से, कौन ऊपर कौन नीचे? अब क्लियर है? अब देखना, अब मजा और आएगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर है मेरा, ये वाला। अब इसको मुझे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मान लो अल्फा है, अल्फा बोले तो सर OH कहाँ पे आएगा? मैसेज करके बताओ जल्दी से। अल्फा बोले तो सर, बोलो जल्दी, OH कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, बाकी के नीचे होते हैं हमें पता है, ये वाला ऊपर होता है हमें पता है, नीचे होता है CH2OH होता है। ये सबको समझ में आया, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। मैसेज करके बताओ रे, अरे बता दो दिस इज योर अल्फा डी। मैसेज करके बताओ हाँ या ना, दिस इज योर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। मैसेज करके बताओ, यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है? अब इसका कन्वर्ट करना है इसमें, किसमें बोलो रे, किसमें किसमें करना है? चेयर फॉर्म में कैसे करें सर? तो बहुत आसान है, देखो पहले चेयर फॉर्म निकालो, पहले चेयर फॉर्म निकालो, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो, ये ऑक्सीजन चला गया। अब कार्बन नंबर वन यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद देखो 6, देखो 6 भाई, 6 देखो CH2OH। समझे यहाँ तक की बात? मैसेज करो जल्दी से, कार्बन नंबर 1 से लगा के 6 तक की बात सबको समझ में आई हाँ या ना, बताओ जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बताओ यार क्लियर है? ये वाली बात सबको क्लियर है, किस तरह से मैंने चेयर फॉर्म निकाला, सबको क्लियर है? सबको अल्फा का चेयर फॉर्म, अल्फा का चेयर फॉर्म निकाल रहा हूँ, अल्फा का। बीटा का तो थोड़ा सा आपको पता है, बीटा का तो आप कर दोगे। अल्फा देखो, अल्फा देखो, मुझे बताओ फर्स्ट नंबर पे OH कहाँ पे, ऊपर या नीचे? नीचे, तो नीचे की तरफ कौन आता है आपका? नीचे की तरफ एक्सियल आता है, तो OH यहाँ पे लगेगा। समझे या नहीं समझे? और हाइड्रोजन लगेगा इक्विटोरियल पे। समझ में आया सबको? मैसेज करो, फर्स्ट पोजीशन ऑफ OH समझ में आई सबको? फर्स्ट पोजीशन ऑफ OH समझ में आई सबको? इक्विटोरियल और एक्सियल में से कहाँ पे आएगा फर्स्ट? एक्सियल पे आएगा। दूसरे नंबर कार्बन पे देखो OH कहाँ पे, बोलो जल्दी। दूसरे नंबर का कार्बन OH नीचे है, तो नीचे कौन आएगा बताओ? सेकंड नंबर कार्बन पे नीचे कौन आता है बोलो? इक्विटोरियल आता है, याद आया कुछ? यहाँ पे आया OH। समझ में आया सबको? मैसेज करो, ये OH और ये OH, देखो ये आ गया एक्सियल पे, ये आ गया इक्विटोरियल के, क्योंकि ये नीचे है ना इक्विटोरियल। देखो ये वाला भी नीचे है, तो यहाँ पे नीचे कौन है? इक्विटोरियल। अब बताओ नेक्स्ट वाला OH कहाँ पे? मैसेज करो, ऊपर की तरफ जा रहा है सर, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कौन था? सिमिलरली यहाँ पे एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ OH, नीचे की तरफ EH। समझ में आया सबको? मैसेज करो, ये वाला OH कैसे बनाया समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ, यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? सब मैसेज करके बताओ कि सर यहाँ तक की कहानी क्लियर है, आगे बढ़ू? ओके वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बन देखो, नेक्स्ट कार्बन, ये वाले कार्बन पे OH नीचे की तरफ है, तो आप फिर से दो पोजिशन बनाओ सर, एक एक्सियल इक्विटोरियल, तो नीचे इक्विटोरियल है, तो ये कहां पे आएगा? इक्विटोरियल पे आएगा। समझ में आया सबको? दिस OH इज ऑन इक्विटोरियल। समझे या नहीं समझे? नाउ दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ OH।
कौन सा ओएच, इसको रटना मत बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ इसको बिल्कुल भी रटना मत, इसको समझना। एक और पढ़ा देता हूँ मैं, एक और अच्छे से समझ में आए। मान लो मेरे पास ये वाली चीज है, देखो डरना मत, मैं कुछ भी लिख दूं, आपको तो बस कंसेप्ट से जाना है। मान लो मैं यहाँ पे ओएच, ये ओएच ऊपर लिख देता हूँ, ये ओएच नीचे, ये ओएच भी नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, और ये ओएच ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना बच्चों, और यहाँ पे आपको होता है CH2OH। अब इसका आपको चेयर बनाना है, ठीक है ना। तो देखो मैं किस तरह से बनाता हूँ, बहुत अच्छे से देखो सोच समझ के। ये ठीक है, अभी इसके पहले पोजीशन लिख लो आप, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है ना, ऊपर नीचे वाली ये वाली, मतलब किस तरह से हम पोजीशन डिसाइड करेंगे। देखना अभी फर्स्ट वाले कार्बन पे OH कहाँ पे बच्चों, ऊपर है, तो ऊपर की तरफ OH लगा दो, नीचे की तरफ H लगा दो, समझ में आया सबको भाई। सेकंड वाले कार्बन पे नीचे की तरफ कौन है, OH, तो नीचे की तरफ लगा दो OH, ऊपर की तरफ लगा दो H, समझे या नहीं समझे। थर्ड वाले कार्बन पे देखो अच्छे से, OH नीचे की तरफ है सर, तो नीचे की तरफ OH, H ऊपर की तरफ। फोर्थ वाले कार्बन पे OH ऊपर की तरफ है सर, तो OH ऊपर नीचे। भाई क्लियर है सबको, आप बताओ अब होगा ये क्लियर, आपको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे मैसेज करके बताओ। अरे हाँ या ना, क्लियरली बताओ, आप होगा सबको क्लियर। तो आप अल्फा डी का बना दो, आप बना सकते हो अभी घर पे जाके, आपको अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोपाइरोनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरोनोज का आपको चेयर फॉर्म बनाना है अच्छे से, और मुझे पिक सेंड करना है। समझ में आया सबको, मैसेज करो। क्या सबको क्लियर है, क्या सबको यहाँ तक की बातें क्लियर है, बोलो जल्दी से।